हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू एग्जाम स्टडी। मैं शुभम सिंह एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी पर। हम लोग वो कैप पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पहला वर्ड लिखा हुआ डियर। डियर मतलब क्या होता है आप सभी को पता होगा, एक मीन होता है हम लोग ऐसे किसी को प्यार से बोलते हैं डियर, और एक होता है डियर मतलब होता है महंगा। और जो आपने ये वाला डियर पढ़ा है इसका मतलब होता है हिरन, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। डियर मतलब एक तो हमारा प्यारा होता है, एक मतलब महंगा होता है, कॉस्टली। और यहीं से अगर बात करें, डियर अलाउंस आपने सुना होगा, जो महंगाई भत्ता मिलता है जिसे हम बोलते हैं डीए, ठीक है। और एक हमारा होता है टीए, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रैवल अलाउंस, वो जो यात्रा भत्ता होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगा। नेक्स्ट जो मीन लिखी हुई है, मीन लिखा हुआ बेट। बेट मतलब क्या होता है? बेट मतलब होता है चारा। ये किस लिए यूज करते हैं हम लोग, देखते हैं कि न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि बहुत सारे केसेस होते हैं कि फॉल्स कस्टमर होते हैं, वो क्या करते हैं कि किसी को धोखा देते हैं, ड्यूप करते हैं, ठीक है। तो चारे के रूप में जो फॉल्स कस्टमर यूज़ किए जाते हैं किसी को पकड़ने के लिए, तो वहाँ पे हमारा यूज़ किया जाता है बेट। और एक हमारा होता है जो डिकॉय। डिकॉय मतलब क्या होता है? डिकॉय मतलब तो होता है धोखा देना, तो डिकॉय होता है एक हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग फॉल्स कस्टमर। फॉल्स कस्टमर के रूप में जिसे यूज़ किया जाता है वो हमारा होता है डिकॉय। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एनॉय। एनॉय मतलब क्या होता है? एनॉय मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना। या बोल सकते हैं हम लोग इरिटेट करना या इन्फ्यूरिएट। और धोखे देने के लिए एक वर्ड आता है कोजन, या आता है ड्यूप। इन दोनों का मतलब क्या होता है? धोखा, या आप गल भी बोल सकते हैं। इन सभी का मतलब क्या होता है? धोखा देना। नेक्स्ट वर्ड लिखा हो पिवोटल। पिवोटल मतलब क्या होता है? पिवोटल मतलब होता है इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण, आप बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट, या आप बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट। एक वर्ड होता है लिंच पिन। इन सभी का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है हिंटरलैंड। हिंटरलैंड का मतलब क्या होता है? हिंटरलैंड का मतलब होता है समुद्र से दूर जो भी स्थान होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? हिंटरलैंड। समुद्र से दूर के स्थान, और जो हमारे तट होता है उसको क्या बोलते हैं? वो हमारा होता है शोर या कोस्ट। ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं? तट। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ फेस्टिंग प्रॉब्लम। फेस्टिंग मतलब क्या होता है? फेस्टिंग प्रॉब्लम वो होती है, वो समस्या जो बहुत ज्यादा समय तक बनी रहे वो हमारी फेस्टिंग प्रॉब्लम कहलाती है, जो ज्यादा समय तक बनी रहे। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ सोर। देखिए, ये जो सोर है SOAR, और ये जो ये सोर है, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि इनका प्रोनंसिएशन तो सेम होता है बट मीन इनका दोनों का अलग अलग होता है। तो सोर मतलब होता है, या हम बोलते हैं स्काई रॉकेट, या बोल सकते हैं ग्रो अप। ये बढ़ने के सेंस में आता है, जब चीजें बढ़ती हैं किसी भी चीज के बढ़ने के लिए स्काई रॉकेट या सोर बोल सकते हैं। हमारी स्काई रॉकेट जो बिल्डिंग्स होती हैं, गगनचुंबी या चुंबी या क्या होती हैं, इमारतें होती हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग से बोलते हैं, तो उसी के लिए आता है, या बोल सकते हैं बहुमंजिला इमारत, या फिर हम बोल सकते हैं बढ़ने के सेंस में भी इनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ नैशडाइक। नैशडाइक मतलब क्या होता है? बहुत तेजी से गिरने के लिए आता है नैशडाइक, या एक वर्ड मैंने आपको इससे पहले बताया था प्लमेट।
या एक वर्ड होता है फॉल लाइक टेन पिन। इन सभी का मतलब क्या होता है? बहुत तेजी से गिरना या धड़ाम से गिरना। बहुत तेजी से गिरने के सेंस में आता है नेस्डाइक प्लमेट या हो गया फॉल लाइक टेन पिन। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है नलीफाई। नलीफाई मतलब क्या होता है? नलीफाई आपने देखा होगा कि जो भी कभी कभी इलेक्शन जो होते हैं अगर उसमें थोड़ी नेगेटिव अगर न्यूज आ जाती है, धांधली खबर आ जाती है, तो क्या होते हैं? निरस्त हो जाते हैं। इसको बोल सकते हैं नल एंड वाइड। नलीफाइड या नल एंड वाइड, या हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रामाइंड। जो इलेक्शन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? धांधली से भरे हुए चुनाव। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ इन लर्च। इन लर्च मतलब क्या होता है? इन लर्च मतलब होता है इन डिलेमा, इन पजल, मतलब किसी को बीच मझधार में छोड़ देते हैं, एट सी आप बोल सकते हैं कंफ्यूज को पजल के लिए। तो इन लर्च होता है या इन डिलेमा होता है मुसीबत में। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? एक होता है पोर्टेबल और एक होता है पोर्टेबल, दोनों का मतलब अलग होता है। पोर्टेबल मतलब वो होता है जो आप इजिली कहीं भी ले जा सकते हैं, सुविधाजनक बोल सकते हैं। पोर्टेबल मतलब होता है पोर्टेबल वाटर के लिए आता है, जो पीने योग्य पानी होता है उसे क्या बोलते हैं? पोर्टेबल वाटर। और दूसरा होता है हमारा सेलाइन वाटर, जो खारा पानी होता है उसे हम लोग सेलाइन वाटर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ ब्लैंडिशमेंट। ब्लैंडिशमेंट मतलब होता है चापलूसी, जिसे हम बोल सकते हैं साइकोफेंट या आप फ्लैटरी बोल सकते हैं या आप टोडी बोल सकते हैं। एक वर्ड होता है ऑयली टंग। इन सब का मतलब क्या होता है? चापलूस या चापलूसी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एकोलाइट। एकोलाइट मतलब क्या होता है? एकोलाइट मतलब होता है जो हमारे फॉलोअर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एकोलाइट बोलते हैं। जो मॉडर्न टाइम में होते हैं वो फॉलोअर होते हैं, जो पहले होते थे वो क्या होते थे? वो हमारा होता था वर्ड एक आता था प्यूपिल या डिसिपल। ये क्या होते थे? ये शिष्य होते थे या अनुयायी होते थे। और जो मॉडर्न टाइम में होते हैं वो क्या होते हैं? फॉलोअर या एकोलाइट आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एफिशिएंडो। एफिशिएंडो क्या होता है? एफिशिएंडो मतलब होता है प्रशंसक। प्रशंसक जो आपको फॉलो करते हैं या आपके अनुयायी होते हैं उनको एफिशिएंडो बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ बायस्ड। बायस्ड मतलब क्या होता है? किसी का पक्ष लेना, पक्षपातपूर्ण बोल सकते हैं। एक idiom होता है टिप द बैलेंस, मतलब होता है किसी का पक्ष लेना। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ इल एट ईज। इल एट ईज मतलब क्या होता है? फीलिंग रेड फेस्ड या एम्बरेस्ड बोल सकते हैं आप। रेड फेस्ड या फिर आप बोल सकते हैं क्या होता है? ग्लानित। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ इन रेड। इन रेड मतलब क्या होता है? इन रेड मतलब होता है लॉस में या घाटे में। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ थ्रैश। थ्रैश मतलब क्या होता है? थ्रैश मतलब होता है एशॉल्ट। एशॉल्ट करना या मारना पीटने के लिए आता है। एशॉल्ट। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ पेल्प। पेल्प मतलब क्या होता है? पेल्प मतलब होता है जो हमारा बक हो गया, मूला हो गया, रैक हो गया, इन सब का मतलब होता है मनी। मनी बोले तो पैसा, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स थे। सारे इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से तैयार करिए और देखते रहिए हमारा चैनल एग्जाम स्टडी। हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।